दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों आप लोग IBPS RRB 2020 पर फोकस कर रहे हैं, आप सबके लिए गुड न्यूज है। आप सबके सामने बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों आप में से जो भी कैंडिडेट सीरियसली RRB पर फोकस कर रहे हैं, दोस्तों आप सबके सामने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। अभी जो आज जो CBO का जो पोस्ट आया SBI जो सर्कल बेस ऑफिसर का, उसमें जो है दोस्तों 3850 जो पोस्ट है वो जो है अपने जो ऑफिसर जो है RRB का और शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, उनको जो हायर करने वाला है। यानी RRB का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कुछ स्टेट में जहां पर आपका वैकेंसी नहीं था वहां भी वैकेंसी आने का काफ़ी अच्छा चांसेस है, और जहां पर नॉट रिपोर्टिंग था उसमें भी वैकेंसी आने का काफ़ी अच्छा चांसेस है। यानी अभी जो RRB का वैकेंसी आया है उसमें 3800 पोस्ट है आपका PO के लिए, यानी ऑफिसर स्केल 1 के लिए। तो दोस्तों ये जो CBO का पोस्ट आया है उसमें से जो कुछ कैंडिडेट होंगे जो ऑलरेडी 2 ईयर्स से जॉब कर रहे होंगे, जिनका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने वाला होगा, वो जो है उधर अगर ज्वाइन कर लेंगे तो RRB में और भी वैकेंसी क्रिएट होगी, और भी वैकेंसी क्रिएट होगी तो और भी लोगों का रिक्वायरमेंट होगा। यानी जहां पर नॉट रिपोर्टिंग है वहां भी वैकेंसी आ सकता है। दोस्तों RRB के लिए आप लोग जान लगा दो। सब लोग बोलते हैं कि जान लगा दो नहीं तो जाने दो, लेकिन मैं दोस्तों आप सबको बोलता हूं जान लगा दो, जाने मत दो। क्योंकि RRB ऐसा है दोस्तों, अगर आप अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आप 100% अपने एग्जाम में आप सिलेक्शन ले सकते हो। और आप में से जो भी कैंडिडेट सीरियसली डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका लास्ट चांस है, दोस्तों आप लोग तो बिल्कुल ही आप थोड़ा भी मत, आप जब तक आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हो तब तक आप थोड़ा भी लैकनेस मत करो, अच्छे से पढ़ते रहो। आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो डेट है सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल है, उसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ आप पूरा सुनिएगा, आपको डेफिनेटली आपको इससे मदद मिलेगा। और आप लोग अपने चैनल बैंकिंग करियर से ज़रूर जुड़िए। दोस्तों मैं RRB के लिए आपको हमेशा गाइड कर रहा हूँ, जितने सारे बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आप सबको गाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग अपने चैनल से ज़रूर जुड़िए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। दोस्तों मैंने बात की आपको प्री की एग्ज़ाम जो है सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल है। अगर सितंबर में एग्ज़ाम नहीं होता है, कोरोना वायरस का जो केसेस है अगर कम नहीं होता है, तो हो सकता है कि अक्टूबर से अपना एग्ज़ाम स्टार्ट हो, लेकिन एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा। तो इसके लिए दोस्तों अपने पास टाइम कितना है उसके अनुसार से अपना प्रॉपर जो है स्टडी बनाना है, और जो वीक एरिया है उसको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, जो वीक एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस होना चाहिए। मैं आप सबको बताया भी कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, और आपका जो जहां पर वीक एरिया है जहां पर स्कोर नहीं होता है उस पर आपको अच्छा से स्कोर करना है। अपने को टारगेट लेके चलना है कि September 20 के बाद अपना कभी भी एग्ज़ाम होगा, ये टारगेट अपने को लेके चलना है। उसी के अनुसार से प्रिपरेशन करना है प्री का, और साथ साथ में अपने को मेन का भी प्रिपरेशन करना है। मेन का प्रिपरेशन मीन्स अपने को करेंट अफेयर को लेकर चलना है, हिंदी को लेकर के चलना है, उसके बाद अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, आपको पजल जो है मेन लेवल का, क्वांट का, आपका DI जो है मेन लेवल का, उसको अपने को लेकर के चलना है। अगर आप इंग्लिश दे रहे हो तो इंग्लिश पर आपको अच्छे से स्टडी करना है, और कंप्यूटर तो मस्ट है दोस्तों, कंप्यूटर तो अपने को पढ़ना ही है 100%। ये जो है आप अभी से कंप्लीट हिंदी और कंप्यूटर पढ़ के रख दोगे तो आपको जो है मेन में आपको लीड मिलेगा, और एकदम दोस्तों अच्छे से प्रिपरेशन करना है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज CBO का जो पोस्ट आया सर्कल बेस ऑफिसर का जो SBI का, इसमें जो है आप देखोगे आप यहाँ पर आपका जो इनका जो रिक्वायरमेंट है यानी एक्सपीरियंस इनको जो चाहिए वो अपना जो है 2 ईयर्स का होना चाहिए, और इसमें जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी जो है अपना रीजनल रूरल बैंक, यानी RRB के जो ऑफिसर स्केल 1 पर जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे होंगे 2 ईयर, जिनका एक्सपीरियंस हो गया होगा, वो लोग है इधर जाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो जहाँ पर नॉट रिपोर्टिंग है वहाँ पर जो वैकेंसी है क्रिएट हो सकता है, तो अपने लिए काफ़ी अच्छा चांस है, और गुड न्यूज भी है दोस्तों। इसको अगर गुड न्यूज माने तो डेफिनेटली गुड न्यूज है, क्योंकि आने वाले टाइम में इससे जो है वैकेंसी डेफिनेटली जो है क्रिएट होगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और आप में से जो भी कैंडिडेट न्यू है या आप लोग कुछ दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप लोग दोस्तों जाकर के आज ही ये जो गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्सेस है जाकर के ले लो। मैं हर वीडियो में आप सबको क्यों बताता हूँ, क्योंकि इससे आपको जो है आपको सिलेक्शन 100% हो सकता है। आपका बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल का जो आपको जो मटेरियल है सब कुछ आपको प्री का, मेन का, इंडिया के टॉप जो फैकल्टी हैं वो लोग जो है इस कोर्सेज
इसको डिजाइन कर किया है, और ये आपको लाइव क्लास लेते हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जो है आप गाइड करते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 100% अमाउंट जो है आपको ये रिफंड कर देंगे। और IBPS जो गाइडली, पहले IBPS था, गाइड था, अब गाइडली हो गया है, ये काफ़ी ट्रस्ट सोर्सेस हैं, इनका वेबसाइट भी आप सबको पता है और ये ट्रस्टेड सोर्सेस है, इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ। और अपने चैनल बैंकिंग करियर से आपको 15% डिस्काउंट मिलता है, आप सबको पता है, जो कि कहीं भी नहीं मिलता है। मैंने इसी कंडीशन पर इन लोगों से जो है ये किया था, तो आप लोग जा करके, आप में से जो भी कैंडिडेट न्यू हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए, या आप लोग भी दिनों से पढ़ रहे हैं, आपको जो है हाई लेवल का जो DI है, आपका पजल है, नहीं बनता है, तो इस कोर्सेज को आप जा करके जरूर ज्वाइन करो दोस्तों। वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है, इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, आपको आई थिंक अपने चैनल से 1800 के आसपास में आपको ये प्राइस पड़ेगा 15% डिस्काउंट करके। तो जा करके जरूर दोस्तों इस कोर्सेज को ले लो और पढ़ाई करो। और दूसरी बात है दोस्तों, करेंट अफेयर के लिए अभी पढ़ते रहो, आप लोग जो है अफेयर क्लाउड का PDF जरूर उसको प्रेफर करो, बाकी कोई पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन करेंट अफेयर PDF जरूर पढ़ो। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, इसको भी जा करके ले लो। यहाँ भी अपने चैनल पर 10% डिस्काउंट मिलता है, और यहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलता है तो वीकली पढ़ा करो, या पॉकेट PDF है वो पढ़ा करो, या डेली का पढ़ सकते हो तो वो भी पढ़ा करो। आप इसको जा करके आज ही इसको भी सब्सक्राइब कर लो, उसका भी लिंक और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और दोस्तों जान लगा दो, जाने मत दो, ये अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं आएगा। और RRB में सिलेक्शन ले लिए तो देख रहे हो आप जॉब की कितनी आजकल मारामारी है, आप लोग बस जॉब ले लो, कोई किसी भी सेक्टर में जॉब हो जाए, बस जॉब ले लो, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको जरूर मोटिवेशन मिला होगा, आप लोग अपने चैनल बैंकिंग करियर से जरूर जुड़ी रहिए। मैं आप सबको जो है हमेशा एडवाइस करता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो उसको भी प्रोवाइड करता हूँ, तो प्लीज़ अपने चैनल से जरूर जुड़िए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।